ये लिखा हुआ है राजा बाबू सरकार और एक तरफ तो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी हैं हम नरसिंहपुर लाल पुल वाले दादाजी के स्थान पर। तो यहां से जा रहे हैं हम राजा बाबू सरकार। तो वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम लाल पुल वाले दादाजी से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहां से। तो सफ़र की शुरुआत हो रही है कुछ ऐसे नज़ारों के साथ। ये देख सकते हो ये है लाल पुल वाले दादाजी और यहां से हमारा सफ़र होने वाला स्टार्ट। तो हम जा रहे हैं राजा बाबू सरकार। तो अगर वीडियो में आ चुके हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस द बेल आइकन और कुछ बेहतरीन से नज़ारों के साथ इस सफ़र की शुरुआत होगी। तो चलिए चलते हैं। और अगर आप आ चुके हो वीडियो में और अगर इस स्थान पर आपने विजिट कर चुके हो तो यहाँ के सौंदर्य और नज़ारों का तो आपको पता ही होगा। तो लेट्स गो देन राइड। तो पहले करा देते हैं आपको दादाजी के दर्शन। तो देख सकते हो आपको दिखाते हैं यहाँ पर विराजमान है दादाजी। तो ये देख सकते हो। तो जय हो भगवान। बहुत ही सुंदर स्थान यहाँ पर बनी हुई लड़ी मड़िया। ये रहा कुछ बहुत ही सुंदरता सा स्थान। तो दर्शन करने के बाद बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। भाई कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो Let's go and then right, आप भी आइए यहाँ पर। बहुत ही सुंदर ये स्थान। तो गाइस तकरीबन 6-7 किलोमीटर का सफर करके हम पहुंच चुके हैं उस रास्ते पर जहां से राजा बाबू जाने के लिए कच्चा रास्ता उतरा हुआ है। ये सड़क है, ये देख सकते हो इस सड़क से कच्चा रास्ता। तो यहां पर एक छोटा सा बोर्ड मेंशन है, यहां पर लिखा हुआ राजा बाबू सरकार। ये देख सकते हो ये लिखा हुआ है राजा बाबू सरकार और एक तरफ और बोर्ड लगा हुआ है वहां पर। और ये रास्ता गया है तकरीबन 3 किलोमीटर अंदर जंगल में, कच्चा रास्ता पूरा। तो यहाँ से हमको अंदर जाना है राजा बाबू सरकार के लिए। तो हमारे वीडियो में फुल एडवेंचर हर बार की तरह हो ही जाता है। तो पहली बार फर्स्ट टाइम हम इस रास्ते से जा रहे हैं राजा बाबू सरकार। तो देख सकते हो ये सुनसान जंगल की तरफ रास्ता जाता हुआ और वहाँ पर खड़ी है हमारी बाइक। और ये रास्ता आया हुआ है हमारे शहर नरसिंहपुर से और इस रास्ते की तरफ हम बढ़ते हुए। तो चलिए बढ़ते हैं। We'll be right back.
गाइस बहुत ही खतरनाक रास्ते से होते हुए हम पहुंच चुके हैं राजा बाबू के मंदिर, राजा बाबू सरकार नरसिंहपुर। तो आपने अभी रास्ता देखा कितना खतरनाक। भाई सरकार को थोड़ा यहाँ के बारे में ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर क्या स्थिति है रोड के बारे में। बहुत ही खतरनाक रोड है यार, और बहुत ही खतरनाक जंगल है, और उसी खतरनाक जंगलों के बीच विराजमान है राजा बाबू सरकार। तो नीचे लेकर चलते हैं आपको, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और कुछ इस तरीके से जाता हुआ नीचे की तरफ रास्ता। तो ये जाता हुआ नीचे की तरफ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं राजा बाबू सरकार और आपको दर्शन कराते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, पहले उनके दर्शन कराते हैं, फिर आसपास की और भी जगह आपको दिखाएंगे। और तो ये विराजमान है जंगल के बीचों बीच राजा बाबू सरकार, तो दर्शन कीजिए आप भी। तो ये इतनी बड़ी चट्टान और उसके बीच विराजमान और ये घना जंगल। तो सबसे मुख्य जगह लगी मुझे यहाँ की रास्ता, जो कि बहुत ही खतरनाक है, सरकार को इसके बारे में यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो खतरनाक जंगल में आता कोई व्यक्ति कब उसके रास्ते में कुछ होने का खतरा रहता है। तो ये रहे दादाजी, दर्शन कीजिए आप भी, हमने दर्शन किए, सबकी मनोकामना पूरी करें दादाजी। तो अब दिखाते हैं आपको आसपास की यहाँ पर और भी जगहें। तो यहाँ पर भी बहुत सारे भक्तगण आए हुए हैं, ये देख सकते हो। तो इनसे हम पूछते हैं यहाँ के रास्ते के बारे में और इस स्थान के बारे में। तो बताइए भैया, आप अपना नाम बताइए, नाम बताइए पहले। वीरेंद्र कुमार रजा से आए हैं आप, ग्राम बना से आए हैं, डोबी के पास तेंदुखेड़ा। हाँ जी, जिला नरसिंहपुर जी। भैया बहुत परेशानी बनती है यहाँ, रोलर मोलर की व्यवस्था बन जाए, जीबीसी वगैरह की, तो यहाँ सब कंप्लीट हो जाए। बताओ, सब पैसे लेने तो आ जाते हैं, सब मुरादे तो पूरे करवाने आ जाते हैं, मगर कोई काम नहीं होता है यहाँ पे। मैं काम करने की कृपा करूँगा सरकार से। बहुत से यहाँ पर यूट्यूबर न्यूज चैनल वाले आए हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत से लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, मुरादें पूरी होती हैं भैया यहाँ पे। ऐसा नहीं है, तो देख सकते हो आप, तो सबकी मुरादें पूरे होते हैं। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो और भी यहाँ पर बहुत से स्थान हैं, उनको भी दिखाते हैं आपको। तो पूछते हैं भैया लोगों से क्या क्या स्थान है यहाँ पर, हम तो पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। तो गाइस हमने दादाजी के दर्शन करने के बाद अब बढ़ चुके हैं पहलवान बाबा की तरफ, ये देख सकते हो आप। तो ये तकरीबन आधा किलोमीटर के समथिंग में ये जगह होगी, बहुत ही सुंदर ये भी एक प्लेस है। और यहाँ से जो व्यू आता है जंगलों का, तो वो एक अनोखा ही एक्सपीरियंस रहता है, तो मजा आने वाला है। बहुत ही सुंदर ये एडवेंचर प्लेस, ये देख सकते हो आप भाई, दूर दूर तक बिल्कुल घना जंगल, जहां तक नजरें जाएंगी वहां तक। और यहाँ पर एक सुंदर सी मढ़िया बनी हुई है, उनसी माता विराजमान है, इनके भी हम चरण स्पर्श करते हुए, माता रक्षा राखी हो, हे बन देवी, जो भी देवी हो, माता शीश नवारा में। तो आप भी दर्शन कीजिए यहाँ पर माँ के। तो ये रही बहुत ही सुंदर प्लेस। तो यहाँ आने का मेरा जो प्लान था, बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि हम इस तरफ विजिट करें, तो आज मौका मिल ही गया इस तरफ आने को। तो मैंने बहुत सी यूट्यूब पर इस जगह के बारे में वीडियोस देखी हैं, तो बहुत सी उत्सुकता जो कि मेरे मन में जाग रही थी, तो आज वो पूरी हो गई। तो बहुत ही सुंदर ये जंगल, और यहाँ पर देख सकते हो भाई ने दूर कुछ लोग भाई बकरियां चराते हुए। क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुमार मेहर। कहाँ रहते हो? मलरी कला। कहाँ पर है ये? ये पास ही में है, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दूर आप यहाँ पर बकरियां चराने आए? डर नहीं लगता आपको? नहीं।
तो ये देख सकते हो भाई, जंगल में 6 किलोमीटर दूर अपने घर से यहाँ पर भैया बकरी चराने आए हुए हैं। और हमको यहाँ पर रास्ते में इतना डर लग रहा था गाड़ी चलाने में, बहुत ही खतरनाक रास्ता था भाई। इतना जंगल होने के बावजूद भाई इधर ये लोग बकरियां चरा रहे हैं। और ये रहा भाई दूसरा स्थान, इसको बोला जाता है पहलवान बाबा। तो ये देख सकते हो आप, इस ये रहे भाई पहलवान बाबा, देख सकते हो दूसरा स्थान। सामने से धूप आ रही है इस कारण से उतने अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये है भाई पहलवान बाबा, तो जय हो दादा। और ये यहाँ पर मूर्तियां विराजमान है, और ये देख सकते हो, और अंदर ये है भाई यहाँ पर मूर्ति पहलवान बाबा की। जय हो दादा, यहाँ पर विराजमान है बहुत ही सुंदर मूर्ति दादा की, ये देख सकते हो आप पहलवान दादा की। जय हो दादा। तो ये रहा पहलवान दादा का मंदिर, और यहाँ पर लगा हुआ ये बोर्ड जिसने भी इस मंदिर को बनवाया। 2016 के समथिंग में ये मंदिर बनाया गया था, पहले ऐसे ही चल ही रहता था। और ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है सामने भाई, लकड़ी और पत्तों से ये मंदिर। तो ये कुछ समय पहले मैं इस मंदिर को गूगल में जो मैप है उसमें इसकी तस्वीर इस मंदिर की शो हुआ करती थी, और सामने की तरफ है बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट। तो ये शाम के समय यहाँ का कुछ अलग ही दृश्य होता होगा भाई। तो अब कुछ पिक्चर क्लिक्स करते हैं और फिर चलते हैं और दिखाते हैं आपको मंदिर के कुछ आसपास के प्रांगण। तो आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए सिनेमैटिक शॉट में, और मिलते हैं फिर आपसे। तो ये रहा भाई पहलवान दादा का स्थान, और अब हम यहाँ से बढ़ते हुए, तो जय हो दादा। तो कैसा लगा आपको ये पूरा व्यू पॉइंट, ये नज़ारा? तो एंजॉय किया होगा। और कौन कौन यहाँ पर अब तक आ चुका है तो कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ कमेंट भर दो गाइस, कि कौन कौन ने इस जगह को विजिट किया है अब तक, इस एडवेंचर और दिल दहलाने देने वाली जगह राजा बाबू सरकार। तो इसी प्रांगण में मौजूद कुछ और स्थान, तो ये पूरी जगह है भाई, और यहीं पर ये मंदिर है। जय बड़ा देव। तो गाइस सारी जगह के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं पनघट दाई के पास। यहाँ पर बहुत ही रहस्यमय तरीके से यहाँ पर देख सकते हो ये पानी आता हुआ, ऊपर पहाड़ है और ऊपर से ये सड़क में पानी आता हुआ भाई। ऊपर कोई भी स्रोत नहीं है कि कोई झरना हो भाई या कुछ हो, लेकिन ये पहाड़ से ये देख सकते हो भाई झिर कर पानी आता हुआ। ये सब ऊपर वाले की देन है भाई, रहस्यमय तरीके से ऊपर से पानी आता हुआ ये देख सकते हो। ये पूरी चट्टान है, और ये 12 ही महीने यहाँ पर पानी आता हुआ, और यहाँ पर
देख सकते हो कुंड बने हुए हैं और यह है पनघट दाई का मंदिर, तो पनहरण दाई, तो जय हो माई की। ये बहुत ही रहस्यमय और कुछ रहस्यमय यहाँ पर पौधे भी लगे हुए हैं। ये देख सकते हो किस चीज का पौधा है भाई, पेड़ है, आप कमेंट में जरूर बताना। थोड़ा सा और पास से दिखा देता हूँ, इसके फल लगे हुए हैं, कांटेदार फल हैं, तो कमेंट में जरूर बताना। तो पढ़ते हैं घर की तरफ, कैसी लगी ये बहुत ही सुंदर प्लेस राजा बाबू सरकार। तो भाई अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड प्रेस द बेल आइकन। और अब भी आइए यहाँ पर, बहुत ही सुंदर ये प्लेस है पूरा, बहुत ही सुंदर स्थान है। तो अब बढ़ते हैं हम घर की तरफ, आप भी यहाँ पर आइए अपने परिवार के साथ, आप यहाँ पर पिकनिक मनाने आ सकते हैं, पिकनिक स्पॉट भी है यहाँ पर, आप भरता बाटी का कार्यक्रम भी कर सकते हैं। ये देख सकते हो बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, तो आप भी आइए यहाँ पर। और कौन कौन यहाँ पर अभी तक आ चुका है कमेंट में जरूर कमेंट करना, बहुत ही सुंदर प्लेस है। और अब बढ़ते हुए हम घर की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, स्टे ट्यून, बाय बाय।